इसे एक रथ के शेप में यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है अंदर। वहां से वो जो पेड़ दिख रहा है वहां से अंदर जाना है, काफी खतरनाक रास्ता यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं वर्ल्ड के हेरिटेज साइट पर, जो कि हमें उस टाइम का 3D आर्ट दिखाएंगे। और वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के 3D आर्ट्स है, काफ़ी अलग अलग तरीके के 2D पेंटिंग्स है। वो जो आर्ट है वो बनाया गया है 5th century में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम उन लोगों ने वो 3D आर्ट कैसा बनाया होगा। तो आज का ये वीडियो ब्लॉग की तरह होने वाला है, तो इसको एंजॉय करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यार, आज हम लोग जिस एंशियंट हेरिटेज साइट पर जाने वाले थे वो थी एलोरा। और एलोरा हम लगभग पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस 1 किलोमीटर है। और अगर आप भी एलोरा आते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो। तो पहली जगह जो कि है खुद एलोरा केव्स, दूसरी जगह यहाँ पर है एक विश्वकर्मा मंदिर जो कि ये मेरे पीछे, और तीसरी जगह है घृष्णेश्वर मंदिर जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो कि शिव जी के मंदिर है पूरे इंडिया में, उनमें से एक यहाँ पर है जो कि एलोरा केव से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप यहाँ पर आकर वो तीनों जगह घूम सकते हो। तो मैं आपको थोड़े शॉर्ट में वो सारी जगह दिखा देता हूँ। तो गाइज यार, अब हम लोग यहाँ से एंट्री करके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर टिकट निकाल कर हमें एक कूपन दे दिया गया है, और वो रही हमारे एलोरा केव्स। गाइज यार, अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो है 5th century में बनी एंशियंट एलोरा केव्स। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर उस टाइम में कार्विंग्स की है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ केव्स है वो नंबर है 34, और उसमें से 1 से 12 जो केव्स है वो केव्स है बुद्धिस्ट केव, और जो 13 से 29 है वो केव्स है हिंदू, और जो 30 से 34 का काउंट है वो जैन केव्स है। यहाँ पर जो केव्स के अंदर जो यहाँ पर स्कल्पचर्स दिखाए जाएंगे वो सारे यहाँ पर जो 1 से लेकर 12 तक है वो बुद्धिस्ट केव्स है। तो यहाँ पर सिर्फ बुद्धा की मूर्ति है या फिर बुद्धा का स्तंभ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो केव नंबर 2 है यहाँ पर उन्होंने बाहर गेट पर ये स्कल्पचर्स तैयार किए गए हैं। तो गाइज, ये गुफा 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर उन्होंने बोर्ड पर लगा दी है, आप ये पढ़ सकते हो पॉज करके। केव 2 के अंदर हर दीवार के ऊपर आपको बुद्धा जी की कार्विंग्स की गई मूर्तियां दिखेंगी, हर तरफ चारों तरफ इन्होंने यहाँ पर ये मूर्तियां बनाई है। और यहाँ पर जो पिलर्स है उनमें भी काफ़ी बारीकी से कार्विंग की गई है, और जो स्कल्पचर्स है वो काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पर कार्व किए गए हैं। गाइज, अब हम लोग है केव नंबर 3 में। तो यहाँ पर भी आपको बुद्धिस्ट मूर्तियाँ दिखेंगी जो कि हर तरफ इन्होंने कार्व की है। अंदर जाने के बाद आपको एक मेन बुद्धा जी की मूर्ति दिखेगी। 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर इस तरीके की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से अंदर उन्होंने बुद्धा जी की मूर्तियाँ बनाई है, बाहर कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई है, काफ़ी डिटेलिंग की गई है उनके सारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। और ये उन्होंने सिर्फ एक पत्थर के अंदर कार्व किया है,
काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर भी पिलर्स को डिजाइन किया गया है। तो गाइस यार फिलहाल हम लोग है केव नंबर 5 में और ये काफी अलग तरीके की केव है बाकी केव से। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं यहाँ पर हमें कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पिलर्स का काउंट है वो टोटल काउंट है 24, और जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो पत्थर यहाँ पर देख सकते हो वो पत्थर बेसिकली डाइनिंग में यूज़ होता था उस टाइम में, डाइनिंग हॉल की तरह। और ये जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो एक सभागृह, उस टाइम का बुद्धा जी का सभागृह वैसा इसको डिज़ाइन किया गया है। और मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि उन्होंने एक पत्थर को फोड़ कर इतना बड़ा यहाँ पर, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना बड़ा है। तो उन्होंने यहाँ पर ये खुद से यहाँ पर पत्थर फोड़कर हाथ से यहाँ पर ये डिज़ाइन किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक केव नंबर 5 है और अभी हम लोग जाने वाले हैं केव नंबर 10, क्योंकि 7 और 8 केव नंबर में ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है। गाइस अभी हम लोग खड़े यहाँ पर केव नंबर 10 में और आप लोग जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली डिजाइन किए गए हैं फेमिनिज्म को दर्शाने के लिए। गाइज यार ये जो आप स्कल्पचर यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी एंशंट मंदिर है और यहाँ का जो राजा था उस टाइम में उन्होंने एक बड़े पत्थर को यहाँ पर कार्व करके बारीक बारीक डिज़ाइन, जो कि एक काफ़ी लंबा पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हो उसको बनाया है और इसे एक रथ के शेप में यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है अंदर, और काफ़ी बारीक डिज़ाइन यहाँ पर की गई है। तो कही यार अब हम वहाँ थे 60 नंबर केव में और चलते चलते हम काफ़ी थक गए, इसलिए अब हम सिर्फ एक जैन केव देखकर अभी घर वापस जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ रहा है यहाँ पर। हम वहाँ उस पहाड़ पर गए थे, वहाँ से फिर ये 16 केव पर आए और अभी यहाँ से हमें वहाँ जाना है जो कि है जैन केव, जो कि 30 नंबर केव, यहाँ से हमें पैदल चल कर जाना पड़ेगा। तो गाइज हमें यहाँ से केव्स दिखना शुरू हो गई है। यहाँ से 29 तक हिंदू केव्स है लेकिन उसके आगे जैन केव है, तो हमें अब और आगे चलकर जाना पड़ेगा। तो अभी हम खड़े हैं शायद से 28 पर, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात दिखा दूँ, हम यहाँ से जाने वाले रास्ता काफ़ी डेंजरस लग रहा है और ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं ऐसा हमने सुना है। ये जो गुफा है ये 29 नंबर की, और हमें यहाँ से जाने के लिए बोला है 30 नंबर के लिए। वो जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से अंदर जाना है, काफ़ी खतरनाक रास्ता यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे ये जो बोर्ड है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमें यहाँ से अंदर जाना है। तो गाइस हमें बताया गया है कि वो 30 नंबर की जो केव है वो काफ़ी ऊपर पहाड़ पर बनाई गई है और वहाँ पर फ़िलहाल कोई नहीं जाता। तो अभी हम यहाँ से जो रास्ता है जो कि हमें मेन गेट तक लेकर जाएगा वहाँ से हम चल रहे हैं।
तो जितने भी हमने यहाँ पर केव्स देखे वो सारे के सारे केव्स में जो 3D आर्ट और स्कल्पचर्स बनाए गए हैं काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने उस टाइम में अपने हाथ से बनाए हैं। डिज़ाइन भी खुद अपने हाथ से बनाई है बारीकी से। और जो हमने केव नंबर 16 में देखा, जो पेंटिंग्स देखी, वो सारी पेंटिंग्स उन्होंने हाथ से बनाई है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि एंशंट टाइम जो कि 5th सेंचुरी का जो है वो हमें 3D आर्ट हमें देखने को मिले, और वो उस टाइम के जो पेंटिंग्स है, उस टाइम के जो स्कल्पचर्स है, उन्होंने कैसे बनाई ये हमें जानकारी मिले। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पर जानकारी मिल गई है। तो आप लोग अगर एलोरा घूमना चाहते हो तो ये मेरा जो वीडियो है काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने बनाया है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो एज अ गाइड वीडियो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।